जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने 26 मार्च को शुरू होने वाली कांग्रेस की बस यात्रा को लेकर सिरसा के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनकी ड्यूटियां लगाई। इस अवसर पर प्रेस से रूबरू होते हुए अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस को एकजुट करने के लिए कांग्रेस बस यात्रा हिसार से शुरू होकर 27 मार्च को सिरसा लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी और 28 मार्च को सिरसा में इस यात्रा का कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की यात्रा को लेकर 23 मार्च को दिल्ली में बैठक भी की जाएगी, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। हमारी बस यात्रा जिसकी शुरुआत 26 तारीख से फरीदाबाद से होनी है, जिस यात्रा का आगमन हमारे यहाँ 27 की रात को होगा, 28 की सुबह फिर दोबारा हम यहाँ से यात्रा शुरू करके पूरा संसदीय क्षेत्र, जिसमें हमारा यहाँ से फतेहाबाद जाएंगे, फतेहाबाद से रतिया, रतिया से टोहाना, टोहाना से नरवाना, नरवाना से जींद और जींद से यात्रा आगे निकल जाएगी। तो 28 तारीख के जो मुख्य कार्यक्रम, 27 को क्योंकि रात को हम पहुँचेंगे, ये यात्रा हिसार से हमारे संसदीय क्षेत्र में एंटर करेगी, तो उसी की तैयारियों के सिलसिले में या और किस तरीके से हमारा जो जनसंपर्क अभियान है, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी के, उनको गति हम कैसे दे सकें, बूथ पे कांग्रेस और कैसे मजबूत कर सकें, इन्हीं बातों को लेकर के आज की ये मीटिंग बुलाई है। और कल इसी मीटिंग के सिलसिले में हमारी जो यात्रा है उस सिलसिले में एक मीटिंग दिल्ली भी है। 23 तारीख को कल प्रातः 11 बजे कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड में हमारी मीटिंग होगी और इस मीटिंग में पूरी कांग्रेस एक बस में दिखाई देगी और उस बस से हम लोगों के बीच में और सघन जो हमारा जनसंपर्क अभियान है उसको भी कर पाएंगे और उसके साथ साथ जो भविष्य की चुनौतियां हैं इस मुल्क के सामने, प्रदेश के सामने, उनको भी मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी फेस करेगी और आने वाले समय में 10 की 10 लोकसभा कैसे जीते उसकी मोटी रणनीति हमने तैयार की है और रणनीति के माध्यम से अब फील्ड में एक्शन होता हुआ अगले कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान मोदी सरकार की विफलताओं को जनता के आगे उजागर किया जाएगा, साथ ही यात्रा में स्थानीय मुद्दे भी उठाए जाएंगे। तो प्रदेश की बर्बादी, देश की बर्बादी, असफल खट्टर और मोदी सरकार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौजवान के हाथ को काम नहीं, ये सारे मुद्दे होंगे जो इस प्रदेश के मुद्दे हैं और अलग अलग क्षेत्रों के जो मुद्दे हैं। जहां विधानसभाओं में जाएंगे हम विधानसभा के स्थानीय मुद्दों की भी चर्चा करेंगे, अलग अलग जिलों के अलग अलग मुद्दे हैं, तो सभी मुद्दे प्रमुखता के साथ कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में रखेगी। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया पिछले 5 साल के अंदर, केवल लोगों को झूठे वायदे किए, नारे दिए, जुमले छोड़े, अब मैं समझता हूँ कि उनको असली तरीके से प्रदेश की, देश की जनता पहचान चुकी है और इसीलिए बदलाव का पूरा माहौल आज संपूर्ण हरियाणा और देश के अंदर तैयार। कुलदीप बिश्नोई के बैठक में शामिल न होने पर सफाई देते हुए कहा कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। कोई नाराज नहीं, किसने कहा, उन्होंने कहा क्या? कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठक में नहीं, नहीं वो तो हम सुबह मिल के चले गए थे, कहीं उनके जरूरी काम थे। उन्होंने खुद कहा है कि ये जो उनके विरोधी हैं, भाजपा के लोग हैं, इन्हें लोग के लोग हैं, जजपा के लोग हैं, विरोधी इस तरह की बात फैला रहे हैं। कांग्रेस में उनकी आस्था है, उनका विश्वास है और कांग्रेस के माध्यम से आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि पार्टी उनको जो महत्वपूर्ण भूमिका है चुनाव लड़ने की वो देगी और वो जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान अप्रैल के पहले हफ्ते में कर लिया जाएगा। उम्मीदवारों की ये यात्रा के बाद, क्योंकि सब लोगों का देखा जाएगा, जो भी उम्मीदवार, आज 1000 से ऊपर उम्मीदवार हैं अलग अलग संसदीय क्षेत्रों का, टोटल हम मिला ले तो 1000 लोग इसमें भाग लेंगे और जिसकी जो क्षमता है, जिसके जो जीतने के चांस हैं, विनेबिलिटी है, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी उनको कंसिडर करेगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में हम वो प्रक्रिया शुरू करेंगे।
वहीं उन्होंने रणवीर गंगवा के इनेलो को छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी तो अब एक डूबती नया है और रणवीर गंगवा डूबती नया में सवार हुए हैं। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। हमारे पास तो बहुत आने वाले हैं, अभी और आएंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो वहाँ गए जहाँ उनको हासिल कुछ नहीं होना है। जिनकी नैया डूबने वाली है तो डूबती नैया में बैठ के देखना ये है कि वो तरते हैं नहीं। बीजेपी तो डूब रही है।